टुडे आवर टॉपिक इज़ जेंडर्स ऑफ नाउन। नाउन के अब जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे। जेंडर क्या होता है, जो हमें डिफाइन करते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, या ये कॉमन है या न्यूटर है। अभी मेल फीमेल तो आपने पहले भी सुना होगा, कॉमन न्यूटर हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। पहले हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं मेल और फीमेल को। जो गर्ल या वुमेन या हमारी मदर या सिस्टर, ये लोग जो होते हैं, तो ये क्या है, ये फीमेल है, तो इनको हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। और किंग, ब्रदर, बॉय, ये क्या है, मेल है, तो इनको हम कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। अच्छा, अब कॉमन जेंडर क्या होता है, जो जब तक के हमें जेंडर डिफाइन ना हो कि ये मेल है या फीमेल है, और जो हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे टीचर, जब तक हमें ये नहीं पता हो कि लेडी टीचर है या जेंट्स टीचर है, तब तक के हम ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। या स्टूडेंट, अब वो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, तो ये क्या है, स्टूडेंट है या टीचर है या प्रिंसिपल है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जो दोनों के लिए यूज़ होते हैं, मतलब वो मेल के लिए भी यूज़ होता है और फीमेल के लिए भी यूज़ होता है, तो उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जो मतलब जिनको हम एक तरह से कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे इरेजर, पेन, पेंसिल, ये सब जो हमारी चीज़ें हैं, ये हमारा न्यूट्रल जेंडर में आता है। टेबल, ठीक है, प्लेस, हाउस, ये सब हमारा न्यूट्रल जेंडर है। तो ये आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, किंग, रोप, डॉग। किंग हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है, रोप हमारा न्यूट्रल जेंडर है, डॉग हमारा मैस्कुलाइन है, स्नेक हमारा मैस्कुलाइन है, सिंगर। अब देखो, सिंगर, अभी हमें सिंगर का नाम नहीं पता, जब तक हमें नाम नहीं पता तब तक हम ये नहीं बता सकते कि ये मेल सिंगर की बात हो रही है या फीमेल सिंगर की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या है, कॉमन है। इरेजर, इरेजर हमारी नॉन लिविंग थिंग है, तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। डॉक्टर, डॉक्टर हमें ये नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, तो ये क्या है, कॉमन, क्योंकि ये मेल के लिए भी यूज़ होता है और फीमेल के लिए भी यूज़ होता है। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर है, यहाँ पर आपको मैस्कुलाइन जेंडर का कॉलम दिया है या फेमिनाइन जेंडर का कॉलम दिया है, ये कॉमन और या न्यूट्रल। तो आपको यहाँ से सॉर्ट करना है, जो मैस्कुलाइन है वो आपको यहाँ फिल करना है, जो फेमिनाइन है वो यहाँ फिल करना है, और जो कॉमन है वो यहाँ फिल करना है, और जो न्यूट्रल है वो यहाँ फिल करना है। उसके बाद कुछ हमें फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर और कुछ इस तरीके से वर्ड दिए गए हैं ये, जैसे हायर का हायरेस, एक्टर का एक्ट्रेस, अंकल का आंट, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर। तो ये फॉर्मेशन है मेल टू फीमेल का। इसके बाद आपको एक्सरसाइज बी दी गई है, इसमें आपको मैच करना है मैस्कुलाइन से फेमिनाइन तक के। फिर इसके बाद यहाँ पर नेम देना है जेंडर का, कि ये क्या है, ये मैस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन है, ये मैस्कुलाइन, इस तरीके से आपको ये बताना है कि ये मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। नेक्स्ट आपको यह लास्ट एक्सरसाइज आपकी है कॉमन जेंडर की, जिसमें आपको अंडरलाइन करना है जो कॉमन जेंडर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अडल्ट, अडल्ट, अब अडल्ट मतलब बड़ा, कौन बड़ा है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो ये कॉमन जेंडर है। फ्रेंड, फ्रेंड, अब फ्रेंड हमारा मेल फ्रेंड भी हो सकता है, फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, तो यहाँ पर क्या है, कॉमन जेंडर। इसी तरह से आपको करना है।